He can also come and stand, no? Sorry. We'll start. बाद में ली है सीरियसली वो शॉप से लेने से अच्छा तो ये सब ज्यादा अच्छा है ना अरे हटो यार गाड़ी आ गई है तो नाटक ज्यादा क्या हुआ राइट टर्न है बीच में क्या खड़े होके बात कर रही हो बाजू से लो ना तेरे चक्कर में अब मैं गलत साइड से ड्राइव करूँ हाँ आगे से जगह नहीं है हद है यार भैया मैडम गलती से हो गया तीन साल से मेरा इंश्योरेंस कार का सिर्फ रिन्यू होते जा रहा है आज आपने मेरे इंश्योरेंस का उद्घाटन करा दिया पहली बार मेरी कार सर्विस सेंटर जाएगी आपकी वजह से आप फोन पे बात नहीं करते कार नहीं ढुकती मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं करती कार सर्विस सेंटर नहीं जाती बहुत खुशी हुई आज फाइनली इंश्योरेंस यूज होगा चलिए ठीक है भैया फक ऑफ क्योंकि आप अपनी गलती तो मानोगे नहीं मैं औरत हूँ मुझे तो ड्राइव करने आता नहीं है कोई बात नहीं इडियट I'm telling you, amazing collections. हाँ ये शोरूम में नया खुला है ना मॉल में या एक्सक्यूज मी या अभी जस्ट शॉपिंग करके आ रही हूँ ना मैं व्हाट मैडनेस कवार लोग होता है ना ये क्या है क्या हो गया ऐसी गाड़ी लगाते हैं क्या अरे तो पूरा इतना पार्किंग है आपको इधर ही करना है क्या आपकी गाड़ी टेढ़ी पार्क की है हाँ तो मेरी गाड़ी है मुझे टेढ़ा पार्क करना है स्कूटी वहाँ पे करो ना छोटी गाड़ी लेके इधर बहस करने आ जाते हैं वो देखो ना उधर है सब स्कूटी उधर पार्क करो इधर ही करना आपको बाप का रोड है क्या आगे से लो आपको क्या प्रॉब्लम है चलान तो कटेगा आपने नो पार्किंग में पार्क किया है आपको पहले समझना चाहिए ना गाड़ी कहाँ पार्क की है सर सर यहाँ इतना ट्रैफिक है सब कुछ है तो भी आपको समझ में पर नहीं आता सर, है वो शादी का हॉल है उधर सबने उधर पार्क किया है तो आप किधर भी पार्क करोगे सर लेकिन सर इतना महंगा चलान कटेगा 2500 रुपए का चलान है आपको सर 2500 सर इसमें 3 दिन का चलान कटता है थोड़ा तो डिस्काउंट दो सर सर लेडी हमको फोटो लेने दीजिए सर सर प्लीज सर मैं क्या बोल रही थी सर पापा मेरे गाड़ी देते नहीं है आज बहुत मुश्किल से गाड़ी मिली है सर क्योंकि पापा बाहर गांव गए पापा देते नहीं है गाड़ी सर फिर अभी चलान मिलेगा है ना इसका 5000 फाइन है फोन में है सर सर 2500 चलान सर हर चीज इतनी महंगी हो रही है क्या सरकार है सर प्याज खाने को तरस गए सर 2 महीने से 2500 कहाँ से भरेंगे सर प्लीज सर थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए ना सर देखो मैडम सब कुछ गवर्नमेंट का हो गया है अभी आपको पूरा चलान भरना पड़ेगा सर 2500 तो है भी नहीं सर सर एक तो इतनी कड़ी धूप में खड़ा रखा सर 2500 सर तबियत खराब है मेरी ब्लड टेस्ट करवाने आई थी सर डेंगू का वो इशू है मेरे को डाउट है हो सकता है सर आम आदमी कहाँ पार्क करेगा सर शादी का हॉल है सारी पार्किंग ले रखी है इन्होंने इनको आप कुछ नहीं बोलते हो जाके तबियत खराब है एक तो सर डेंगू की शिकायत है मुझे हो सकता है डेंगू हो सर फिर कितना खर्चा हो जाएगा सर इसमें चक्कर भी आ रहा है थोड़ा सा एक तो बुखार है सर प्लीज सर पापा बहुत मारेंगे सर मच्छर ने काटा है वो अलग पापा जो काटेंगे ना वो अलग और सर उस पर आप भी काट रहे हो सर 2500 तो नहीं होता है सर क्या ये किसी सरकार है एक तो हमें ब्रेकअप हुआ है सर ब्रेकअप की रिकवरी से ही नहीं बार आ रही उस पर आप थोड़ी दया नहीं आ रही आपको मेरा चेहरा इतना मासूम है सर आपको लगता है मैं रोज ऐसे नो पार्किंग में पार्क करती हूँ इतनी मजबूर हो चुकी थी शादी वाले इधर आके पार्क करते हैं उनसे आप चलान काटिए पहले आप पहले उनसे 2500 लेके आइए फिर मैं दूंगी मैं यहीं खड़ी हूँ
तो क्या हुआ मेरी तबीयत खराब है? मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। अरे दोस्त, हाँ एक सेकेंड, हाँ जा रही हूँ बाबा, लर्निंग है ना यार, दो मिनट रुको ना। अरे बारिश आई, साइन मिट गया लर्निंग का। मुंबई में नहीं रहते क्या? दिसंबर में भी बारिश होता है, सीखना मुश्किल हो गया यार। रोड पे चलाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? जा रही हूँ ना। गॉड, दो मिनट शांति से, इतना परेशान कर देते, कोई सीख नहीं सकता क्या रोड पे गाड़ी? अभी सब सीख के पैदा होते हैं क्या? आप सीख के पैदा हुए थे क्या गाड़ी? शांति से यही नहीं है कि हाँ इंसान चला रहा है तो उसको चलाने दो। तुम बताओ यार किधर जाना है? मैं बता रही हूँ, मुझे रास्ता पता है। अरे तुझे देख, जीपीएस ये बोल रहा है ना, आगे से ना लेफ्ट मारना है। ये राइट बोल रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है गाइस सामने। किसका जीपीएस चालू है? मेरा। कहाँ का डाला है तूने श्वेता जीपीएस? यहीं का डाला है, देख मैं बता तो रहा हूँ। इसको डालने नहीं, इसने डाला खाड़ी। ऑटो कर लेते ना यार, मुझे चलाने आता होता ना, मैं तो आराम से चला के। हाँ व्हाई नॉट, मुझे आता नहीं है ना। तू देख वहाँ से पतली सी रास्ता, तू आई है ना सृष्टि यहाँ पे, वो देख ना पतली रास्ता जा रहा है। स्कूटी पे आई थी तू? स्कूटी, स्कूटी है। मम्मी सही बोलती थी, तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहिए मुझे। पैदल चलते हैं। और कार है ना पार्किंग लॉट आगे। ए भाई तू अपनी कार खरीदना ना, तो तू ऐसे वैसे जगह में पार्क करके जाना। मैं अपनी कार छोड़ के नहीं जा रही, मैं तो यहीं बैठ रही। A few moments later. मैं आया शेरावाली। जय माता दी। ओ भैया, भैया भैया भी चले गए। बुला रही थी या डरा रही थी भैया को? वही डरा दे, इसलिए इतना लुक्स नहीं देने का। सॉरी भी नहीं बोलते हो, रोड के बीच में चल जाएंगे कोई। होता है होता है, आजकल कलयुग का जमाना ऐसे होता ही रहता है। ऑटो रुको 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 रुको, कहाँ जाना है मैडम? हाँ स्टेशन रोड चलिए। अरे पहले बोलना चाहिए था ना, स्टेशन नहीं जाना है मुझे। आप लोग को बैठ के फिर ही बताना पड़ता है, नहीं तो फिर आप लोग चलते नहीं हो। बैठने के बाद आप बोलते हो। चलिए अभी, अब मैं बैठ गया, अब मैं उतरूंगी थोड़ी। ऐसा थोड़ी ना चलेगा, बैठने के बाद आप बताते हो यहाँ जाना है। हम लोग को नहीं आता क्या कैसे जाना है अपने डेस्टिनेशन पे? आई नो हाउ टू टैकल। इतना मजा यार, मैंने वो लेक्चर बंक कर दिया, तुम लोग ना पागल थे। सॉरी मैं क्या बोल रही थी सर को, मैंने ना सर मैंने तो टेस्ट दिया है, आपने मुझे कम मार्क्स क्यों दिए? रोड पे ऐसे कुछ मुलाकातें हुई है हम जैसे लोगों से, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, टर्न द ब्लैक थंब ब्लू, और शेयर करो इसे, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब टू कैप्टन नेक्स्ट।